हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पीछे आप देख रहे होंगे उत्तराखंड कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले सभी छात्रों को उत्कृष्ट एकेडमी की ओर से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि कल दोस्तों एक बहुत बड़ा महाकुंभ होने वाला है और ये जो महाकुंभ है इस महाकुंभ में आपकी जो तपस्या है बहुत सारे छात्रों की पार होने वाली है और बहुत सारे छात्रों की मेहनत जो है यानी कि सपने इसमें साकार होने वाले हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि इस वीडियो को जो मेरा बनाने का उद्देश्य है वो केवल और केवल उन सभी छात्रों के लिए जिनका कल होने वाला है यानी कि उत्तराखंड कांस्टेबल का पेपर। इस वीडियो में केवल और केवल दोस्तों मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो कल का ये पेपर होने वाला है इस पेपर के लिए आप किस तरह से अपने आप को मोटिव रखें। वैसे तो बहुत सारी वीडियो आपके लिए बन चुकी है कि मोटिव क्या करें कैसे करें, आपने बहुत सारी देख भी ली होगी, लेकिन दोस्तों मुझे जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं भी चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखूँ जिसका आपको कल जो है फ़ायदा मिले। तो फटाफट से क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है मुझे पता है, और दूसरी बात जो मेरा वीडियो का लाने का जो मकसद है इस समय बहुत सारी वीडियो आपको दो तीन दिन पहले मिल चुकी है। अब दो तीन दिन पहले क्या होता है कि एग्जाम से जस्ट दो तीन दिन पहले आपने वीडियो देखी आप मोटिव हुए लेकिन वापस उदासी छा गई। एग्जाम से कुछ घंटे पहले इस तरह की वीडियो लाना ये आपके लिए एक तरह से रामबाण से साबित हो सकती है। इसका कारण वही है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक जो खिलाड़ी होता है एक जो योद्धा होता है वो बड़े लंबे समय से अपने जो है उद्देश्य के लिए प्रैक्टिस मेहनत करता रहा होता है, लेकिन जो एंडिंग होती है ना जो उस समय बिल्कुल तात्कालिक जो कारण होता है आपने देखा होगा खिलाड़ी है, खिलाड़ी को फटाफट से पीठ में थपथपाकर भेजा जाता है, जब वहां पर जो है तूफान मचा गया वो उस एनर्जी के साथ जाता है। तो आज का वीडियो मेरा भी बिल्कुल कल से कुछ घंटे पहले बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि गर्मा गर्म जो चीजें आपको दूंगा उसका डेफिनेटली कल आपको फायदा होने वाला है। तो इसमें कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं क्या क्या सावधानी होने वाली है, क्या क्या आपको किस तरह से आपको इस पेपर को करना है और उससे पहले आपको किस तरह से मोटिव रहना है, वो सारी चीजें इसमें आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो एक बार आप सभी को फिर से यानी कि जितने भी छात्र उत्तराखंड के इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं उन सभी को उत्कृष्ट एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम बिंदास होकर पेपर दीजिएगा दोस्तों, जितना ज़्यादा मोटिव रहेंगे, जितने ज़्यादा एनर्जी के साथ रहेंगे, जितना ज़्यादा लाइव रहेंगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, क्योंकि ये दो घंटे का खेल है। इस दो घंटे में आपको बहुत ही ज़्यादा लाइव और एकदम से प्रेजेंट रहना है। तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो ये जो उन्हीं का आपको जो भेजा गया है नोटिस है पुलिस के द्वारा कि आपका आपको क्या करना है, पहले तो थोड़ा थोड़ा ये बता दूँ कि ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले इन बातों का खास ध्यान रखना कि आपको परीक्षा हॉल में क्या ले जाना है। जैसे यहाँ पर लिखा कि परीक्षा केंद्र पर डेढ़ घंटा पहले पहुँचे अभ्यर्थी, मतलब ये ध्यान रखिएगा एक एक चीज़, मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर आपको पहुँचना है, पहला चीज़। दूसरा, फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लेकर आए, मतलब आपके पास जो है एक फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड वगैरह है वो बिल्कुल पैक करके अभी से रख दीजिए, ये आपको कल के लिए काम नहीं करना है अभी के अभी। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी कभी पैक कर दो। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि लिखित परीक्षा के लिए नीला काला बॉल पेन का प्रयोग जरूरी है, यानी कि नीला या काला दोनों में से बॉल पेन का प्रयोग इसमें आपके लिए जरूरी है, तो आप कुछ भी रख लीजिए। बाकी क्या आपके लिए प्रतिबंधित है, गलती से आपको क्या नहीं ले जाना है, ना तो मास्क ले जाना है, मास्क नहीं ले जाना, शायद वहीं से आपकी व्यवस्था हो। ब्लूटूथ एयरफोन घड़िया कैलकुलेटर न लेकर आए, आप ध्यान रखिएगा ना घड़ी हाथ होनी चाहिए। कल ऐसा है ना देखो कोई लेकर जाए वह थोड़ा सा आपको परेशान कर दे तो उससे क्या होता है आदमी अगर परेशान हो जाए तो उसमें मानसिक जो है आपको तनाव होगा, इसलिए पहले ही अपना फ्री मोड होकर जाइए, मतलब वहाँ कोई झंझट ही ना, उनके पल्ले कुछ पड़े ही ना, मामला सीधा एंट्री हो अंदर आप परीक्षा में बैठे वैसा काम आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ें ना हो। मोबाइल फ़ोन यानी कि स्विच ऑफ मोड में भी ले जाना प्रतिबंध, मतलब मोबाइल फ़ोन आपको ले जाना ही नहीं है, आप ले जाइए वहां तक, वहां पर उनकी व्यवस्था होगी परीक्षा सेंटर में, तो वहां पर वो जमा हो जाएगा। ये तो मैंने आपको वो बताया जो बहुत ही जरूरी है, जो उनकी तरफ से स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस परीक्षा में क्या होना चाहिए। जैसे सबसे पहले देखिए कि कल परीक्षा है तो आज आप क्या करें, पहली चीज दोस्तों यानी कि बहुत सारे लोगों को बेचैनी हो रही है ना, कई लोग बहुत परेशान है, कल पेपर है मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं। तो इस तरह से क्या होता है कि दोस्तों परीक्षा होने से पहले 8-10 घंटे पहले जो छात्र बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है उसका डेफिनेटली कल प्रभाव पड़ने वाला है उसकी परीक्षा में। इसलिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आप खुद अपनाइए, 10 घंटे आपके अपने हाथों के हैं, इन 10 घंटों में अपने आप को जितना हो सके इस समय अपने आप को मोटिव रखिए, तरोताजा रखिए, मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ क्यों ना जाए। मोबाइल, बहुत सारे छात्र मोबाइल देखेंगे अभी, डर डर के मोबाइल देख रहे होंगे क्या होगा कैसा मेरिट चलेगा, कुछ नहीं देखना है।
जो भी देखना है केवल मोटिव चीजें देखो, मतलब जिससे कुछ भी आप गाने सुन रहे, गाने से एनर्जी वाले गाने सुनो, कुछ आप मोबाइल पे थॉट देख रहे मोटिव थॉट्स देखो, आप खुद देखिएगा अगर आपने लगातार मोटिव थॉट्स मोटिव स्पीच कुछ भी सुनते रहे आप इस दौरान, आपके लिए कल का जो जोश है ना वो दुगना बनकर रहेगा। तो इसलिए इस दौरान आप देखिए पढ़ाई का समय खत्म है। हाँ, जो छात्र चाहते हैं कि अभी भी हम थोड़ा सा पढ़े तो आप लोग अपना रिवाइज के लिए कर सकते हैं, मतलब जैसे कुछ भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो करंट की चीज़ है, कुछ और चीज़ है जो आप में लगता है तो उसको आप रिविजन कर सकते हैं, वो भी डेफिनेटली कल के लिए काम करता है, क्योंकि जो हमने एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ी होती है वो कई बार काम कर जाती है। तो आप पढ़ भी सकते हैं बढ़िया से बिंदास होकर फटाफट, टेंशन वाला नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इस समय मोबाइल में नेगेटिव चीज़ें छोड़ दीजिए, लगातार इस 10 घंटे से पहले जितना हो सके इतनी मोटिव चीज़ें पढ़िए कि आपको कल जब एग्जाम हो आप ये कहें कि अभी एग्जाम आए इसको तुरंत अभी फाड़ कर रख देते, ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। तो परीक्षा से पहले आपको ये करें, यही आपको आज काम करना है मेरे हिसाब से। बाकी अब इसके बाद बढ़ने वाला हूँ आगे। अब देखिए कि पहली बार परीक्षा में शामिल छात्र क्या करें, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिन छात्रों का पहली बार ये पेपर है, मतलब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पुलिस ये जो परीक्षा हो रही है इसमें 23 साल जो है न्यूनतम जो है सीमा की आयु है, तो 23 साल में बहुत कम उम्र होती है, बहुत सारे पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो बहुत डरे हुए हैं कि क्या होता होगा पेपर में कैसे। आधे छात्र तो अच्छी तैयारी करके भी इसी माहौल में डर जाते हैं कि परीक्षा में ये आ रहा, अब साइन करने वो आ रहा वो आ रहा, उस डर विचलित में जो है पेपर गड़बड़ कर देते हैं। तो वो मैं आपको समझाना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि इस परीक्षा देने में जो नए छात्र हैं जो पहली बार इस परीक्षा को दे रहे होंगे या जिन्होंने अभी तक कोई परीक्षा नहीं दी है उनके लिए ये स्पेशली मैं बातें बताना चाहूँगा कि वो क्या करें। देखिए दोस्तों, पहली चीज, सबसे पहली बात तो आपके सोचनी यार कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपके बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है। उससे पहले की चीज़ें मैं आपको खुद बता देता हूँ कि क्या क्या वहाँ हो सकता है और आप उसके लिए प्रिपेयर पहले रहे, जिनको कुछ पता नहीं क्या हॉल में होता है। देखिए पहली चीज़ क्या होती है, पहला चीज़ आपको ये याद रखें कि परीक्षा हॉल में स्वयं को भीड़ से दूर रखें, मतलब जो बिल्कुल न्यू छात्र जिसने आज तक पेपर नहीं दिया है वो भीड़ के बीच ऐसे खड़े होकर ना रहे, क्योंकि जब भाई जिस सेंटर में आप जाएंगे जमावड़ा हो जाता है, इधर खड़ा हो गया वो क्या होता है, नया छात्र चीज़ों को सुनकर बहुत घबरा जाता है तो अंदर उसको टेंशन होती है, इसलिए अपना बिंदास होकर अलग रहो, बढ़िया आराम से सबको देखते रहो कि क्या माहौल चल रहा है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया भाई 2 घंटे का खेल है, उस 2 घंटे से पहले जितना अपने आप को लाइव रख सकते हैं उतना फ़ायदा है। तो उनसे भीड़ से दूर रही, खासतौर से नए छात्र की बात करो, देखो पुराने तो वहाँ जुटे होंगे लगे होंगे अरे भाई क्या होगा ऐसा होगा ये करेंगे, नए छात्र दूर रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, पहली चीज़। दूसरी, यानी कि परीक्षा हॉल में लगभग आधा घंटा पहले पहुँचे, नया छात्र की बात हो रहा हूँ, जो पुराना छात्र है जो बहुत अनुभवी है पेपर दे चुका है वो परीक्षा हॉल में कभी भी टाइम पर मतलब जल्दी नहीं पहुँचे, जो टाइम आपको दिया वहाँ पहुँचने उससे पहले वो आराम से एकदम फिक्स टाइम पर पहुँचे, क्योंकि उसको पता है वो सीधा जाएगा मत्था पच्ची नहीं करेगा। लेकिन जो नया छात्र है वो जो आपको टाइम दिया है कितना घंटे पहले पहुंचना, उससे आप कुछ समय पहले पहुंच जाओ, क्योंकि उससे क्या होता है कि नए छात्र एक उसका आसपास का जो माहौल होता है उससे वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एक कॉन्फिडेंस अंदर से मिलता है कि नहीं ऐसी चीज़ें हो रही। अगर नया छात्र एकदम टाइम पे पहुंचे कि टाइम हो रहा है वो डरा रहता है, जबकि टाइम बहुत पड़ा रहता है वो फिर भी घबराया रहता है, तो नए छात्र को पहले बहुत ज़रूरी पहुंचना है, जो टाइम दिया रिपोर्टिंग टाइम उससे भी पहले पहुंचना है। तो आराम से माहौल बढ़िया घूमो फिरो, भीड़ से दूर रहो, ये आपको काम करना है। अगला काम क्या करना है कि परीक्षा शुरू होने पर क्या क्या होने वाला होगा, मतलब जो नया छात्र अंदर हॉल में बैठा होगा वो ऐसे डरा रहेगा कि यार अब कौन आएगा क्या होगा कैसे होगा, सबसे पहली टेंशन उसको रहती है कि जो OMR शीट है उसको कैसे भरा जाए। तो सबसे पहला आपको समझा दो पहले कि कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं, आपके पास सिंपल सी OMR शीट आती है, आपको केवल ये समझना है कि इस OMR शीट में मुझे क्या भरना है। वहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, जो OMR शीट रहती है ये चीज़ खास बात से ध्यान रख लें, इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास यहाँ पर एक लिखा होता है परीक्षा सेंटर का नाम, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका रोल नंबर के गोले हैं उन गोलों को नीचे आपने रोल नंबर सही से भरना है और उनके गोले सही से भरने हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भर देना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक बुकलेट नंबर रहती है ABC कौन से आपके पास, उसके नीचे गोला उसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, बाकी उनका नंबर, इतनी चीज़ें वहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ होता ही नहीं होता बच्चे, उनमें आपको डरने की जरूरत है नहीं, जो आपके परीक्षा हॉल में आपको नियंत्रक जो आपका पेपर संचालित कर रहे हैं भाई वो आपके वहाँ पर केवल पेपर नियंत्रित करने के लिए आपको डराने के लिए नहीं है, वो आ रहे बिंदास होकर उन्हें जाने दो, आपको अपना काम करना है, इसको अच्छे से भरना है, खत्म कहानी। फिर बीच बीच में क्या होगा, आपको वो परेशान करेंगे, कभी कौन आएगा भाई हस्ताक्षर करो, कभी वीडियोग्राफी आएगी, कभी कौन आएगा, उनसे कोई लेना देना है ही नहीं, जो बोलेगा वो क्या करना, वीडियोग्राफ ले भाई तेरी वीडियोग्राफ खत्म, आएगा साइन करना कहाँ साइन करना, 3 बार पूछो डरो मत, अगर लगता है मुझे गोला भरना नहीं आ रहा है पूरे परीक्षा हॉल में बिंदास होकर हाथ खड़ा कर दो, मैम कोई दिक्कत है यहाँ पर, लेकिन अपनी तरफ से मत डर डर के मत भरना, सीधा बेधड़क बोलो मैम ये गोला नहीं भाई वो आपके दे हैं, उनको पैसा मिलता है वहाँ आने के लिए, तो आपके लिए वो बोलाओ उनको भाई बताओ क्या भरूँगा यहाँ,
इसलिए वो तो टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे नए छात्र टेंशन में रहते हैं, अब क्या होगा, लोग बोलेंगे मैं बी भरू सी भरू, सीधा बुलाना है। तो ये ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं होता है। बाकी दोस्तों अब थोड़ी सी चर्चा करूंगा सबके लिए कि परीक्षा का माहौल कैसा होने वाला है, यानी कि पेपर कैसे करें, कितने अटेम्प्ट करें, ये सबका भी आज से मुद्दा चला हुआ है कि यार क्या होगा, कितने अटेम्प्ट करूं मैं, कितने। तो थोड़ा जरा इसका सॉल्यूशन भी आपको समझा दूं। देखिए दोस्तों, पहली चीज आपको याद रखने वाली बात क्या है कि पेपर 100 नंबर का है, सबको पता है। और पेपर कौन करवा रहा है, यूके पीएससी करवा रहा है। तो आपको पता ही है कि इस बार थोड़ा सा कुछ अलग होने वाला है। अब दोस्तों जहां तक अनुभव है, जहां तक मुझे लगता है कि यूके पीएससी किस प्रकार का पेपर पूछ सकता है और उस आधार पर आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कितने छेड़ने चाहिए, कितने और कैसे पेपर को किया जा सकता है। पहली चीज आपको बता दूं कि यहां पर जो आपका पेपर है 100 नंबर का है और नॉर्मली आपका जो फिजिकल है वो हो चुका है इसका। अब फिजिकल में आप सबको अपना बताएं कि मेरे कितने नंबर है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि एक मोटा मोटा कि जर्नल, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएक्स की बात करूं, मैं यहां पर एसटी की बात करूं, मैं यहां पर एससी की बात करूं, तो यहां पर जहां तक मुझे लगता है एक आइडिया करो सर कि कैसा उनका पेपर बनता है। हालांकि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, पेपर देखने के बाद ऐसा मूल्यांकन करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि लगभग जो है आप आराम से जो है 155 प्लस जनरल जो है इसमें सेव हो सकता है। यानी कि अब आप खुद लगा लो आपके जनरल वालों के कितने नंबर है फिजिकल में, उससे ज़्यादा आपको कितने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी वाला भी लगभग 154-50 प्लस के आसपास ही जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम जाएगा, 153 के आसपास। एसटी वाले यानी कि 153 के आसपास इनका काम चलेगा और एससी यानी कि 150 प्लस इनका काम हो सकता है। लेकिन ये मैं मोटा मोटा आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया है कि मेरे नंबर इतने तो मुझे कम से कम इतने करने हैं। अब आपको खुद वहाँ देखना है कि पेपर किस लेवल का है दोस्तों। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन है, आपको लग रहा है कि पेपर वास्तव में जो पढ़े लिखे उनके लिए, जिन्होंने अच्छी तैयारी की उनके लिए बात कर रहा हूँ, अगर पेपर का लेवल बड़ा अच्छा लगता है, कठिन लगता है, तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इसके आसपास घूमना है। बस ये मैंने पीछे आपको बता दिया। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी परीक्षा हॉल में बैठे, आपके लिए 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने दिमाग पर ले लिया 2 घंटे, क्योंकि 2 आवर्स का आपका पेपर है और इस 2 घंटे में जिसने इसको खेल लिया, देखो आपने तैयारी तो बहुत 1 साल 2 साल 3 साल से की, पर 2 घंटे ही सर्वमान। इस 2 घंटे में दोस्तों केवल आपको क्या करना है, जितना कोशिश हो सकता है अपने आप को लाइव रखना है। लाइव का मतलब होता है कि मतलब आपको ये ना लगे कि आप जो है डर 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 में खो जा रहे। आपको बार बार अपने आप को जगाना कि नहीं, हर बार लंबी सांसें लेते रहो। इस 2 घंटे को किसी भी तरह से बनाए रखना है अपने आप को लाइव, क्योंकि ये जो लाइव रखना होता है दोस्तों ये आपके दिमाग को बिल्कुल सही तरीके से संचालित करता रहता है। आप हल्का सा डिप्रेशन में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं आ रहा तो वो आपको धीरे धीरे पीछे पीछे लेता रहेगा। तो 2 घंटे का ध्यान रखें कि मेरे पास 2 घंटे हैं, इस 2 घंटे में जो हो जाए, दुनिया की आर पार हो जाए, आपको केवल लाइव रहना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ जो छात्र लाइव रहेगा उसका पेपर 100% बेस्ट होने वाला है। तो सबसे बड़ा यानी कि जितनी मैंने पूरी आपको ये स्पीच दी उस सभी स्पीच का जो अगर मैं सार निकालूं तो वो वही है कि जब आप 2 घंटे बैठे उस 2 घंटे में ये सोचे कि मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ और मुझे ये पेपर सॉल्व करना है और लाइव रहकर करना है। बस इतनी दोस्तों आपको बात बताऊंगा। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और उत्कृष्ट अकेडमी के परिवार की ओर से दिल से आप सभी के लिए यानी कि दुआएँ हैं और साथ ही साथ आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। बिंदास होकर पेपर दीजिए, टेंशन फ्री होकर पेपर दीजिए। पढ़ाई आप तक कर ली है, अब कल सीधा युद्ध होना है और उस युद्ध में आपके सारे हथियार आपके पास है, आपका सब कुछ अपने पास है, केवल 2 घंटे में लड़ना है और पूरा 2 घंटे लाइव होकर लड़ना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।